और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा केस है वह पंचायत वार्ड सचिव संघ है, वह व्यक्ति विशेष किसी एक व्यक्ति का नहीं है। संघ पे आते हैं आपने बोला कि हम ओरिजिनल संघ है, तो कामदेव जी क्या, उन्होंने भी तो बोला कि हमने भी मान्यता ले लिया। कामदेव जी के बारे देखिए, हमारा हमारी लड़ाई उनका संघ ओरिजिनल है तो निजी केस करने की जरूरत उनको क्यों पड़ी? उस वक्त नहीं था ना, उन्होंने बोला कि हम इधर रजिस्ट्रेशन कराएं। तो अब जब हमारी केस उससे पूर्व है, गवर्नमेंट न्यायालय उससे पहले डिसीजन दे चुकी है, तो फिर उसमें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? निजी जजमेंट में स्पष्ट है, आपको मैं जो केस संख्या मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, CWJC 615 को आप खोल करके उसके जजमेंट को आप देख सकते हैं। करुणा शंकर कभी दोहरी चरित्र के राजनीति को तरजीह नहीं दिया। जिस तरह के वार्ड सचिव का केस कामदेव जी का नाम लिया, कामदेव यादव जी का जो केस था इंडिविजुअल था, मगर वो सभी से तो 1,25,000 वार्ड सचिवों से फंडिंग ले रहे थे। जी जी। उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कि 1,25,000 वार्ड सचिव फंडिंग ले रहे हैं, केस इंडिविजुअल है, फिर ऐसा क्यों हुआ? नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। वार्ड सचिव का न्यूज हम लोग आपको लगातार देते रहते हैं देसी बिहार के माध्यम से, और आप हमारे माध्यम से जानना चाहते हैं क्या कुछ अपडेट है हमारे केस में, क्या हम लोग जा रहे हैं उच्च न्यायालय। मगर आज वार्ड सचिव के केस में एक नया मोड़ आएगा, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं आपको दिखाना चाहते हैं, इन सबों का साफ तौर पर कहना है कि 1,25,000 वार्ड सचिवों के साथ इतने दिन से जो हो रहा था सिर्फ धोखा और फरेब हो रहा था, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वार्ड सचिवों की लड़ाई आगे जाएगी या नहीं जाएगी। इस पर डिटेल में हम कुछ नहीं बोलेंगे, आइए इन्हीं से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इन किन तथ्यों के आधार पर ये अपनी बातें को रख रहे हैं, उनसे पूछते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैं करुणा शंकर, पंचायत वार्ड सचिव संघ, जिला अध्यक्ष समस्तीपुर सह प्रदेश कोषा अध्यक्ष। अभी सर आपने बोला कि जिस तरह से वार्ड सचिव की लड़ाई चल रही थी यह झूठ है, आपके कोर्ट केस में कुछ नहीं होगा, आप लोग असली वार्ड सचिव हैं, आप लोगों को मान्यता मिला है, क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, झूठा कुछ भी नहीं है। हमारे कहने का मतलब था कि श्री कामदेव यादव के द्वारा जो केस किया गया, केस संख्या, हाँ, वह एक निजी केस किया गया था जिसमें 1400 लोगों को पिटिशनर बनाया गया, जिस केस को माननीय न्यायालय के द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, उस केस के आगे की रणनीति क्या होगी उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इसके पूर्व माननीय प्रणय ठाकुर जो हमारे पंचायत वार्ड सचिव संघ के प्रदेश महासचिव के पद पर अभी भी हैं, वो हमारे केस के मेन पिटिशनर है, जिसका केस संख्या है CWJC 615, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा हमारे हक में फैसला की मिला, जिस फैसला के आधार पर बिहार के पंचायती राज विभाग को 4 सप्ताह का एक समय दिया गया था कि 4 सप्ताह के अंदर इनके द्वारा जो याचिका दायर किया गया था जिसमें इनको न्याय मिला है, उस न्याय के आधार पर इनको आप संतुष्ट करें। इनमें स्पष्ट रूप से सरकार को नोटिस किया गया था कि हमारे, चूँकि यहाँ पर मुद्दा ही हम वार्ड सचिव को बनाया गया और मुद्दालय बिहार सरकार है, उनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था, माननीय न्यायालय के द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया था कि आपके द्वारा दिए हुए फैसले से अगर हमारे मुद्दई यानी हम वार्ड सचिव असंतुष्ट होते हैं तो उस परिस्थिति में माननीय न्यायालय का दरवाज़ा पुनः इनके लिए खुला हुआ है। यह हमारे पास एक मजबूत आधार था। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है जिस जजमेंट में स्पष्ट है, आपको मैं जो केस संख्या मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, CWJC 615 को आप खोल करके उसके जजमेंट को आप देख सकते हैं। करुणा शंकर कभी दोहरी चरित्र के राजनीति को तरजीह नहीं दिया। तो आप लोग तो अब संतुष्ट नहीं है? हाँ, सरकार के द्वारा दिए हुए फैसले से जब सरकार के समक्ष हमारी बात को रखा गया, तो चूंकि संघ के अन्य कुछ समझ लीजिए कि मतलब पथ से भटके हुए सचिवों के द्वारा सरकार के विरुद्ध जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा, धरना प्रदर्शन जैसा कार्यक्रम कर करके हो, या सरकार का नीति नहीं हो हमारे सपोर्ट में, इस तरह की स्थिति परिस्थिति को बना दिया गया कि सरकार जन भागीदारी का हवाला दे करके हमारी मांग को अस्वीकृत कर दिया, उसके बाद यह भ्रम फैला दिया गया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने आपके केस को रिजेक्ट कर दिया है। हम सहनशील और पूरी गंभीरता पूर्वक हमने इस बात को लिया और हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नीतीश कुमार जज नहीं है कि हमारे केस को रिजेक्ट कर देंगे, उन्होंने हमारी मांग को अस्वीकृत किया है। जब इस विषय पर हाई कोर्ट के बड़ी अभियुक्ता से अभय ठाकुर से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मानदेय प्राप्त, सरकार ने ऐसा लिखा है कि मानदेय प्रावधानित नहीं है, तो आखिर प्रावधान लाएगा कौन? प्रावधान लाएगा तो सरकार ही लाएगा ना,
इसका एक सरल उदाहरण है कि इसके पूर्व हम लोग वार्ड क्रियान्वयन में प्रबंधन समिति के तीसरे और पदेन सदस्य के रूप में चयनित हुए। इससे पहले नीतीश कुमार ने वार्ड विकास समिति बनाया था जिस पर पूरे बिहार के 8386 पंचायत में लगभग 5400 मुखिया हाईकोर्ट चले गए, जिसमें हाईकोर्ट में नीतीश कुमार अपनी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी पराजय को देखते हुए तुरंत वार्ड विकास समिति को समझिए कि साइड करते हुए और तुरंत वार्ड क्रियान्वयन में प्रबंधन समिति को बना करके और संविधान की धारा में जोड़ करके इसको पारित करवा लिए, जिसमें तीसरे 7 सदस्यीय कमेटी बनी जिसमें तीसरे और पदेन सदस्य के रूप में हमारा चयन हुआ। आज तक पूरे दुनिया के इस 8वें अजूबे के रूप में आपके सामने यह शख्स खड़ा है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, सपना गांधी जी का था, सरकार साकार करने का जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने लिया था और रोजगार देकर के बेरोजगार करने का काम हम लोगों को मिला। अभी आप आपसे सवाल करते हैं कि आपने बोला था जिस तरह के वार्ड सचिव का केस कामदेव जी का नाम ले लिया, कामदेव यादव जी का जो केस था इंडिविजुअल था, मगर वो सभी से तो 7,00,000 वार्ड सचिवों से फंडिंग ले रहे थे। जी जी। उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कि 7,00,000 वार्ड सचिव फंडिंग ले रहे हैं, केस इंडिविजुअल है, फिर ऐसा क्यों हुआ? आज जिस भारत में खड़े हैं ना आप, यहाँ भी लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, चूंकि हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं जहाँ ईसाई को भी तरजीह दिया जाता है, ठीक है, यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र थे। जो लोग दे रहे थे उन देने वालों में मैंने 1 रुपया कामदेव जी को नहीं दिया हूँ और मैं आरोप लगाने के अपने आप को उस काबिल नहीं समझता हूँ। जिन लोगों ने दिया है वह उनसे पूछ लेगा या पूछता होगा। मैंने 1 रुपया, हाँ मैं निरंतर लोगों को कहता था कि इस केस में होने वाले फायदे में मात्र 1400 लोगों को लाभ मिलेगा तो पूरे बिहार से पैसा क्यों लिया गया, मैं ऐसा बोलता था। लेकिन मैं उनको डायरेक्ट वे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने दिया नहीं है, उन्होंने मुझसे लिया नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है अब आप लोग जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने केस के माध्यम से, आगे क्या कीजिएगा? अभी तो कोर्ट का सुनवाई, जब मान लीजिए कोर्ट का सुनवाई, आपने बोला कि जजमेंट आया है कि अगर आप लोग खुश नहीं होंगे तो आप लोग फिर कोर्ट जा सकते हैं, आप लोगों को तो जो फैसला आया है उसके अनुसार क्या आप लोग खुश हैं? सरकार के द्वारा दिए हुए न्याय से, हम तो पहले भी सरकार के द्वारा ठगे गए थे, पहले ठग लिया, इस बार धोखा दिया है कि मानदेय प्रावधानित नहीं है। हम पूछते हैं भैया कि मनरेगा के प्रोजेक्ट पर कुदाल चलाने वाला जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है उसको भी अगर 225 रुपया दैनिक मजदूरी मिलती है तो हमको कम से कम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं मिले, चूँकि हमारी न्यूनतम एकता योग्यता मैट्रिक पास योग्यता के आधार पर हमको नियुक्त किया गया है। तो आखिर कहीं ना कहीं से हमारे पास हमारा परिवार है, हमारे 2 वृद्ध माता पिता हैं, हमारे पत्नी हैं, एक छोटे बच्चे हैं, हम सभी के साथ कहीं ना कहीं से एक परिवार जुड़ा हुआ है। अगर सरकार के इस गांधी जी के इस सपने को नीतीश कुमार ने देखा था जिसको हमने साकार करने का काम किया है, हमारी ड्यूटी, हमने 24 दिन और 28 दिन काम नहीं किया, हमने 300 दिन पानी चलाने का काम किया है, हमने नल जल डैमेज में से लेकर के हमने नाली गली तक में, हमने रात में अगर हमारे समाज में किसी का शादी विवाह या सुख श्राद्ध होता है उसमें भी हमने रात में भी पानी चलाना, हमने 24 घंटा सरकार के साल में भी आप लोगों ने काम किया जो हमने कोविड गाइडलाइन के अनुपालन करते हुए सरकार के निर्देश के द्वारा, सरकार के दिशा निर्देश के द्वारा जैसे जैसे उन्होंने कहीं पर मास्क बांटना है तो उसमें भी हमारी भूमिका रही है, कहीं पर सैनिटाइज करना है तो उसमें भी हमारे, साबुन बांटना है उसमें भी हमारी भूमिका रही है, सरकार के दिशा निर्देश में का अनुपालन मैंने हमेशा से किया है। लेकिन आखिरकार जब हम सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन किए हैं तो सरकार हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करती है? तो इस केस में आप लोग अब आगे क्या कीजिएगा? इस केस में जब माननीय न्यायालय ने जब दरवाज़ा हमारे लिए खोल करके रखा है तो सरकार के इस नीति के विरुद्ध हम पुनः हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाईकोर्ट जाइएगा फिर निश्चित। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा केस है वह पंचायत वार्ड सचिव संघ है, वह व्यक्ति विशेष किसी एक व्यक्ति का नहीं है। संघ पे आते हैं, उधर तो कामदेव जी ने भी ले लिया है संघ, उनका कहना है कि हम है ओरिजिनल संघ, वो अभी मार्कशीट दिखाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती महाशय, क्या वो ओरिजिनल संघ नहीं है तब? उस केस को स्टेटस को अध्ययन किया जाए, ठीक है। संघ पे आते हैं, आपने बोला कि हम ओरिजिनल संघ है तो कामदेव जी क्या है? उन्होंने भी तो बोला कि हमने भी मान्यता ले लिया कामदेव जी के बारे। देखिए हमारा हमारी लड़ाई उनका, संघ ओरिजिनल है तो निजी केस करने की जरूरत उनको क्यों पड़ी? उस वक्त नहीं था, उन्होंने बोला कि हम इधर रजिस्ट्रेशन कराए तो आप, जब हमारी केस उससे पूर्व है गवर्नमेंट न्यायालय उससे पहले डिसीजन दे चुकी है तो फिर उसमें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? निजी केस करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि आप संघ से बाहर हैं, लोगों को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा किए हैं। अच्छा, आपका जो ये केस है ये संघ के द्वारा है, पंचायत वार्ड सचिव संघ का है। आप इस केस के स्टेटस को पढ़ सकते हैं, इसको अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष
के सामने प्रमाण की जरूरत की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मैं तीसरी बार रिपीट करता हूँ, CWJC 615 को अध्ययन करें। और वह पंचायत वार्ड सचिव से हम पूछते हैं कि पंचायत वार्ड सचिव संघ से मिलने वाले लाभ में 1,14,691 वार्ड का अगर भविष्य उज्जवल होता तो उसमें एक कामदेव भैया भी थे, तो आखिरकार बड़े हैं हमसे। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब पंचायत वार्ड सचिव संघ का डिसीजन मिल चुका था तो पुनः एक निजी केस करके उस केस को निष्कासित करने, रिजेक्ट करने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, क्या फिर आप लोग फिर से आंदोलन में? नहीं, मैं हमेशा से मैं सनातनी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। अगर जो लोग उस आंदोलन का हिस्सा बने और जो लोग कहते थे कि मैं भगत सिंह की तरह क्रांति करता हूँ, मैं उन लोगों को आप मीडिया वालों के माध्यम से मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग ने अगर गोली चलाया, बम चलाया, अगर लूटा अपने राष्ट्रहित के लिए, तो हमारी लड़ाई जिससे थी वह अंग्रेज थे, लेकिन यह लड़ाई हमारी भारतीयों से है, सरकार के संविधान से है, सरकार की इस काली नीति के विरुद्ध है। इसके लिए हम अपने न्यायालय के माध्यम से सरकार के साथ संघर्ष करेंगे। हम कभी सरकार के किसी भी सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे और कभी भी सरकार के विरुद्ध कभी भी सरकार के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद हम सरकार के नीति के लिए न्यायालय जाएंगे, लेकिन कभी भी नहीं सड़क पर नहीं उतरेंगे, लाठी नहीं चलाएंगे, लाठी नहीं खाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। मैं कानून के दायरे में रह करके मैं जिस उद्देश्य से सरकार ने हमको हमारी योग्यता के आधार पर सरकार ने हमको चुना है, हम नौकरी करने आए थे भैया और राजनीति करने पर मजबूर कर दिया गया है हमको। मैं पूरे बिहार को 2017 में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन हुआ था और 2018 में संघ बना। मैंने संघ को, मैं वह माली हूँ, इन सभी साथियों में हमारी आयु हो सकता है सबसे कम हो, लेकिन इन सभी साथियों में मैं वही माली हूँ जिसने संघ को सींचने का काम किया है। और इस पूरे बाग में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिसमें फूल नहीं, कांटे ही कांटे हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं संघ संगठन के माध्यम से मैं आज भी सरकार को एक चुनौती देता हूँ कि जब तक सांस में सांस है तब तक हमारा आस है, और मैं संघर्ष को इतना तेज कर दूंगा, इस क्रांति को इतना तेज कर दूंगा कि लोग कहेगा कि जब हम जहां में आए थे तो जगह से हम रोए, हम ऐसा कर जाएंगे कि हम हंसे जब रोए। तो फैसला आप लोग कीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि ओरिजिनल वार्ड सचिव की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इतने दिन से आप लोग कामदेव को देखे थे, एक नया है। आप फैसला कीजिए कि असली वार्ड सचिव कौन है। आपने जो वीडियो में देखा है आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सही कौन गलत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।